अनिल माधव दवे की अंतिम इच्छा से जुड़ा यह पत्र सामने आया है और इस पत्र में बांद्रा भान में अंतिम संस्कार का जिक्र किया गया था। इस पत्र में यह भी लिखा है कि मेरे नाम पर कोई स्मारक प्रतियोगिता या पुरस्कार न चलाएं। यदि कुछ करना चाहते हैं तो पौधे लगाकर उनको संरक्षित करें। आपको बता दें ये पत्र 23 जुलाई 2012 को लिखा गया था। अंतिम इच्छा से जुड़ा हुआ यह पत्र सामने आया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुनील। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे अनिल माधव दवे की अंतिम इच्छा से जुड़ा पत्र सामने आया है और बांद्रा भान में अंतिम संस्कार का इसमें जिक्र किया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? बिल्कुल सुनील, क्योंकि ये जो पत्र अब सामने आया है ये अनिल माधव दवे ने 23 जुलाई 2012 को लिखा था और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि संभव हो तो उनका अंतिम संस्कार जो है वो बांद्रा भान, जहां पर नदी महोत्सव अनिल माधव दवे कई सालों से आयोजित करते आ रहे हैं, वहां पर होना चाहिए। और साथ ही उसमें इस बात का भी जिक्र था कि केवल जो वैदिक कर्म है उसी प्रकार ही उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिखावा इस अंतिम संस्कार में नहीं होना चाहिए। और साथ ही उनकी स्मृति में कोई भी स्मारक प्रतियोगिता या पुरस्कार या कोई प्रतिमा कभी नहीं बनाई जानी चाहिए, या महिमा मंडन जिस प्रकार से व्यक्ति पूजा की बात रहती है, व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन होता है, उससे उन्होंने परहेज करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर उनके लिए कुछ करना चाहता है तो वो वृक्ष लगाए, वृक्षों को संरक्षित करे, और अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो नदी और जलाशयों के संरक्षण में अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे तो वो उनके लिए पर्याप्त रहेगा, लेकिन इन कामों में भी उनके नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अनिल माधव दवे ने एक तो अंतिम संस्कार की जो इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार वृंदावन में बद्राभान में होना चाहिए, जहां कई सालों से वो नदी महोत्सव आयोजित कर रहे थे। जी जी सुनील जी, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।